नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। टी20 विश्व कप में आज दोनों मुकाबले बारिश के कारण धुले। मेलबर्न में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच बारिश के कारण रद्द। वहीं मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला मुकाबला भी बारिश में धुला। भारत के स्टार शटलर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में आज जापान की शीर्ष वरीय जोड़ी के साथ इन दोनों का होगा मुकाबला। और FIH प्रो लीग 2022 में भारतीय हॉकी टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी अपने अभियान की शुरुआत। ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा ये मुकाबला। सबसे पहले खबर टी20 विश्व कप से जुड़ी हुई। टी20 विश्व कप में आज मेलबर्न में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और टॉस भी नहीं हुआ। इससे पहले अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच भी बारिश में धुल गया था। वो मैच भी मेलबर्न में ही खेला जाना था। अपने दो मैच वॉश आउट होने के बाद अफगानिस्तान को दोनों मैच में अंक बांटने पड़े। आज के मैच में अंक हासिल करने के बाद आयरलैंड की टीम अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर आ गई है। आयरलैंड ने अपने पहले मैच में इंग्लैंड को हराया था। न्यूजीलैंड ग्रुप में पहले स्थान पर है। न्यूजीलैंड के खाते में दो मैच के बाद 3 अंक है। टी20 विश्व कप में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला मुकाबला भी बारिश की वजह से रद्द हो गया। इस मैच में भी टॉस नहीं हो सका। मैच रद्द होने के बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया गया है। ऐसे में अब ग्रुप 1 में सेमीफाइनल की जंग दिलचस्प हो गई है। न्यूजीलैंड की टीम 2 मैच में 3 अंक के साथ शीर्ष पर है। वहीं इंग्लैंड की टीम 3 मैच में 3 अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। आयरलैंड की टीम 3 मैच में 3 अंक और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया 3 मैच में 3 अंक के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है। टी20 विश्व कप में कल हुए एक बड़े उलटफेर में जिम्बाब्वे ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 130 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सकी और सिर्फ 1 रन से ये मुकाबला हार गई। अंतिम ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे और उनके हाथ में 4 विकेट थे। हालांकि पाकिस्तान की टीम ने आखिरी ओवर में 2 विकेट गंवाए और 9 रन ही बना सकी। विश्व कप में ये पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार रही। भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान को अंतिम गेंद पर ही हार का सामना करना पड़ा था। और विश्व कप के मुकाबले पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन। जी अभिषेक, आज के दोनों मैच धुल गए हैं बारिश में। एक बड़ा झटका हम कहें फैंस के लिए रहा, टीमों के लिए रहा, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है हर मुकाबले के परिणाम पर। सेमीफाइनल की अगर दौड़ की बात करें, अगर हम टेबल की बात करें कौन के स्थान पर रहेगा, ऐसे में दो मुकाबलों का धुलना, खास तौर से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच का धुलना, किस तरह से देखते हैं इस परिणाम को? हाँ बिल्कुल सुचित्रा, कोई भी नहीं चाहता था कि ये वाला मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, जिसको सबसे बड़ा मुकाबला भी कहा जा रहा था टी20 वर्ल्ड कप का, वो धुल गया है। और काफी ट्राई किया, आप देखिए कि जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी अच्छा है। उन्होंने कहा था, जब उनसे हम बात कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से पहले, उन्होंने कहा था कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो वर्ल्ड में सबसे बेहतर है। तो अगर बारिश नहीं होती है तो हम अगर बारिश उस टाइम नहीं होती है तो हम बिल्कुल मैच कराने
के सक्षम है, हम मैच करवा देंगे। लेकिन आरन फिंच और जॉस बटला मैदान पे थे, अगर आपने देखा होगा मतलब बारिश नहीं हुई थी कुछ समय तक, डेढ़ घंटा बारिश नहीं हुई वहां पर, लेकिन जो वेट पैचेस थे बाउंड्री साइड की, बाउंड्री में लेफ्ट साइड में स्क्वायर बाउंड्रीज में थे, वो वेट पैचेस दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए दोनों संशय में थे आरन फिंच और जॉस बटला। क्योंकि जो अंपायर होते हैं वो पहले कप्तानों से पूछते हैं कि क्या आप ये मैच खेलना चाहते हैं, क्या ये वाली कंडीशंस के हिसाब से अगर खिलाड़ी अगर चाहते हैं, अगर कप्तान चाहते हैं तभी गो अहेड मिलता है, तभी अंपायर्स आगे गो अहेड देते हैं उनको। तो आरन फिंच और जॉस बटला दोनों तैयार थे, उन्होंने कहा था कि पूरी टीम खेलने के लिए तैयार थी वेट पैचेस होने के बावजूद, लेकिन आप देखिए कुदरत का करिश्मा, उस बार फिर से बारिश आ गई जब एकदम दोनों कप्तान तैयार थे उस मुकाबले को खेलने के लिए। लेकिन काफी अनफॉर्चुनेट है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला है, और इस मुकाबले ने क्या किया है, अब दोनों को बराबर अंक जरूर मिले हैं लेकिन अब ये ग्रुप पूरी तरह से खुल गया। आप देखिए जैसे आपने पॉइंट्स टेबल में दिखाया भी कि जो चार टीमें हैं वो तीन अंकों पर हैं और जो दो टीमें हैं वो दो अंकों पर हैं। तो न्यूजीलैंड के अगर मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका, इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ उनको मुकाबला खेलना है, श्रीलंका के भी तीन अंक है यहां पर लेकिन उनको अभी एक मुकाबला उन्होंने कम खेला है, और ऑस्ट्रेलिया को वो मात दे चुके हैं, तो उनकी जो नेट रन रेट है वो अच्छी खासी है। इंग्लैंड को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ खेलना है, तो कंपैरेटिव अगर हम देखें तो उनके मुश्किल मुकाबले हैं ऑस्ट्रेलिया से, अगर उनको कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया को दोनों मुकाबले खेलने हैं, वो आयरलैंड और अफगानिस्तान के साथ खेलने हैं। तो अगर हम ये उम्मीद करें, अगर हम ये देखें परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाएं तो ऑस्ट्रेलिया यहां पर दोनों मुकाबले जीत जाएगा, इंग्लैंड के लिए हो सकता है यहां पर खासी मुश्किलें हो जाए। तो हम पहले टूर्नामेंट से हम ये बात कर रहे थे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया फेवरेट हैं अगले दौर में जगह बनाने के लिए, यानी नॉकआउट के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मैचेस को देखते हुए, मैचेस वॉश आउट हो गए हैं ये देखते हुए, कि एक न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगी और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से एक टीम क्वालिफाई करेगी, लेकिन अब देखते हैं कि आगे किस तरह के मुकाबले होते हैं। चार टीमें जैसा हमने कहा कि तीन पॉइंटर हैं और दो टीमें हैं जो दो पॉइंट पर हैं, तो ग्रुप वन जो है पूरी तरह से खुला हुआ है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे के मुकाबले किस तरह से होते हैं, लेकिन हम पांच मुकाबले अभी तक बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। और रिजर्व डे, हम हमेशा ये से ये बात करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि रिजर्व डेज क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें सुचित्रा, रिजर्व डेज हर मुकाबले में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मेलबर्न की अगर हम बात करें तो अक्टूबर में जो प्रेडिक्शन था कि 65 mm जो बारिश होगी, लेकिन अभी तक आप देखेंगे अक्टूबर में 120 mm बारिश हो चुकी है लानीना की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो चुका ये रीजन हो सकता है। लेकिन ये बारिश डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया में समर आने से पहले, अभी यहाँ पे समर्स आए नहीं है, तो समर में ये प्रेडिक्शन था। तो आप देखिए कि ये प्रेडिक्शन किसी ने भी नहीं किया था, और बारिश में किसी का भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर ताज़ा स्थिति देखी जाए, ताज़ा अपडेट देखा जाए, आज के दोनों मैच बारिश की वजह से प्रभावित हुए। प्रभावित क्या हुए, दोनों मैच एक बॉल भी नहीं डाली जा सकी, टॉस भी नहीं हो सका, लेकिन अब ग्रुप पूरी तरह से खुल गया है और हम ये कह सकते हैं कि यहां से अब किसी का भी गेम हो सकता है। जो दो मुकाबले खेले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया दो मुकाबले खेलेगा, इंग्लैंड दो मुकाबले खेलेगा, न्यूजीलैंड तीन मुकाबले खेलेगा, यहां से अब तय होगा कि नॉकआउट में कौन पहुंचेगा। और टॉप टू टीमें जो छह में से जो दो ग्रुप है, ग्रुप वन और ग्रुप टू, छह टीमें एक ग्रुप में हैं, तो जो दो टॉप टीमें होंगी वो अगले दौर के लिए क्वालिफाई करेंगी। लेकिन अब अगर यहां की बात करें पर्थ में, मैं इस समय पर्थ में हूं, यहां पे भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला खेला जाएगा 30 तारीख को, यानी संडे को, परसों। टीम इंडिया कल प्रैक्टिस करेगी यहां पर दोपहर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक खिलाड़ी आएगा, कोच भी आ सकते हैं, लेकिन भारत के लिए काफी अहम मुकाबला। सुचित्रा आप देखें, दोनों भारत ने अच्छे मुकाबले जीते हैं, वन साइडेड मुकाबला था नेदरलैंड्स के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ एक थ्रिलर हुआ, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के साथ भारत जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाती है तो अगला मुकाबला बांग्लादेश के साथ होगा, उसका अगला मुकाबला आप देखिए वो भी मिनोज के साथ होगा, जिम्बाब्वे के साथ। तो हम ये मान सकते हैं कि ये मुकाबला काफी अहम होने वाला है भारत और साउथ अफ्रीका का, और अगर साउथ अफ्रीका, अगर भारत यहां पर जीत जाता है तो भारत के लिए जो नॉकआउट की जो कह सकते हैं जो रेस है, जो डगर है, वो थोड़ी आसान हो जाएगी, और तकरीबन 80% हम कह सकते हैं कि अगर ये मुकाबला भारत जीत जाता है तो टॉप टू टीम में जो सेमीफाइनल में है वो जरूर आएगी। और ये देखने वाली बात होगी, अगर टॉप टीम टॉप करती है अपने ग्रुप पे तो एडिलेड में भारत का सेमीफाइनल होगा, अगर सेकंड आती है तो सिडनी में भारत का सेमीफाइनल होगा, लेकिन किसके साथ होगा वो डिपेंड करता है कि ग्रुप वन में टॉप टू टीमें कौन सी होती हैं।
जी बिल्कुल अभिषेक, और उम्मीद यही करते हैं कि बारिश जो है वो पर्थ से दूर रहे, और जिस तरह से आपने कहा कि मिनोस से मैच है तो परिणाम जैसा देखने को मिला जिम्बाब्वे का और आयरलैंड का हम कहें तो किसी भी टीम को इस टूर्नामेंट में अब शायद मिनोस नहीं कहा जा सकता, किसी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और अब अपनी अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में अब महिला और पुरुष क्रिकेटर्स की मैच फी में कोई अंतर नहीं होगा। पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को अब एक समान मैच फी मिलेगी। इस बात की जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने दी। बीसीसीआई सचिव ने कहा कि हम अब लैंगिक समानता के एक नए युग में एंट्री कर रहे हैं। ऐसे में इस पॉलिसी के तहत अब से महिला और पुरुष दोनों क्रिकेटर्स के लिए एक ही समान मैच फी रहेगी। देश की बेटियां हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। खेल के क्षेत्र में भी महिला खिलाड़ियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश को मान दिलाया है। बेटियों का शानदार प्रदर्शन क्रिकेट में भी देखने को मिला है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए खेलों में लैंगिक समानता की खाई को पाटने के उद्देश्य से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर मैच फीस देने का फैसला किया है। अब बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुषों के बराबर मैच फीस मिलेगी। इस बात की जानकारी बोर्ड के सचिव जय शाह ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भेदभाव को मिटाने की दिशा में बीसीसीआई ने पहला कदम उठाया है। हम बोर्ड से अनुबंधित महिला क्रिकेटर्स के लिए समान वेतन की पॉलिसी लागू कर रहे हैं। अब महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट खिलाड़ियों को एक जैसी मैच फीस मिलेगी। इसके जरिए हम क्रिकेट में लैंगिक समानता के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। बीसीसीआई के नए नियम के अनुसार अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि एक दिवसीय मैच खेलने के लिए 6 लाख और T20 मैच के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की मैच फीस दी जाएगी। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को टेस्ट के लिए 4 लाख रुपए बतौर मैच फीस मिलते थे, जबकि वनडे और T20 के लिए 1-1 लाख रुपए मिलते थे। पिछले कुछ वर्षों में खेल प्रेमियों को महिला क्रिकेट के प्रति रुचि बढ़ी है। वहीं भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन भी साल दर साल बेहतर हुआ है। साल 2017 के विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी। उसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम साल 2020 T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची। भारतीय महिला टीम ने इस साल अगस्त में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया था। वहीं पिछले महीने ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप अपने नाम करके अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज की थी। बीसीसीआई द्वारा बढ़ाए गए मैच फीस से महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही आगामी मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रेरित भी करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत के स्टार शटलर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में मलेशियाई जोड़ी को 21-16, 21-14 से हराया था। क्वार्टर फाइनल में आज इन दोनों का मुकाबला जापान की शीर्ष वरीय जोड़ी से होगा। भारतीय हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022 में अपने अभियान की शुरुआत आज न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। ये मुकाबला ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय हॉकी टीम की कोशिश यही रहेगी। उनके कप्तान ने कहा कि ये राष्ट्रमंडल खेलों के बाद उनका पहला मैच है और टीम की कोशिश पहले मुकाबले से ही दमदार प्रदर्शन करने की होगी। लास्ट सीजन काफी अच्छा गया हमारा एंड फर्स्ट मैच है, तो यही कोशिश रही कि जो यहाँ पे हमने अपनी पीक पे छोड़ उसको अभी पिक करने का सेम टाइम आ चुका है एंड फोकस हम यही है कि हमारा कि फर्स्ट मैच से ही हम अपना एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस पे ध्यान दें एंड हमें पता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या हम चीज़ों पे वर्क किया हुआ है एंड किस पे हमने और ज़्यादा वर्क करके इन मैचेस में जितना हम सीख सकें और जो हमने प्रैक्टिस की है उस चीज़ पे हम वर्क कर सकें, क्योंकि जो वर्ल्ड कप से पहले यही कुछ फ्यू मैचेस हैं हमें जो मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे कि जो वर्ल्ड कप में हम काफ़ी हेल्प करें। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।